गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। और आज जो है मैं आपसे बात करने वाली हूँ, जी हाँ, बिकनी वेक्स के बारे में बात करने वाली हूँ। जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। जो लोग टाइटल और थंबनेल देख के इस वीडियो को देखने आए तो एकदम राइट जगह पे आए हैं, क्योंकि आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छी जो है ये वीडियो रहने वाली है। क्योंकि बहुत सारे जो लेडीज़ हैं, बहुत सारी जो लड़कियां हैं या जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी शादी हो चुकी है और कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, आजकल इस चीज़ का जो थोड़ा सा ना हर चीज़ को लेकर बहुत ही सेंसिटिव मैटर ये हो गया है। हर कोई जो है बिकनी वैक्स जो है वो करवाना चाहता है। क्यों? क्योंकि आजकल रैशेज़, खुजले, इन्फेक्शन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है डे टू डे लाइफ में जो है गर्ल्स की लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गई हैं। और इस चीज़ को कम करने के लिए जो है अपने आप को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। सारी डिटेल्स, सारे फैक्टर्स जो मैं आपको बताऊँगी। पहले भी मैंने इसके बारे में एक वीडियो शेयर की थी, जो आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो एक बार फिर से जो है मैं ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। उससे पहले, डिटेल्स वीडियो में डिस्कस करने से पहले, मैं उन लोगों को सावधान कर दूँ, लेडीज़ को, गर्ल्स को, कॉलेज गर्ल जो है उनको मैं सावधान कर दूँ, जो लड़कियाँ रेजर यूज़ करती हैं या फिर किसी और तरह का कोई ऐसा जैसे वीट वगैरह कुछ टाइप का जो प्रोडक्ट होता है वो यूज़ करती है, तो वो ऐसा यूज़ ना करें। इससे आपकी स्किन में रैशेज, इन्फेक्शन, अगर आप मान लो फर्स्ट अगर आप रेज़र यूज़ कर रहे हो तो जो उससे बाल उगते हैं सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा जो आपको चुभते हैं, जिससे आपको इन्फेक्शन, खुजली वगैरह करने का मन करेगा, तो और भी जिससे धीरे धीरे सब बहुत सारी बीमारियां जो है वो आपकी बॉडी में पैदा हो जाएगी। और ये एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, जिसपे जो ध्यान से जो है वो चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रेजर का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, आपके जो बाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड आते हैं, स्किन जो है उससे ना कट लगने का डर होता है। बहुत सारी लेडीज़ को, बहुत सारी गर्ल्स को ये पता नहीं होता कि किस डायरेक्शन में जो है आपको जो है रेज करना होता है, क्या लगाना होता है। अगर आप अपने हाथ पे वैक्स कर रहे हो, उससे मतलब हेयर रिमूव कर रहे हो अपने हाथ से, मतलब हाथ और पे कर रहे हो, या ब्लैक्स पे आप हेयर रिमूव कर रहे हो रेज़र से कर रहे हो, तो आपको ये नहीं पता होता कि आप किस डायरेक्शन में आपको रेज करना होता है। अगर आपको ये भी पता है कि किस डायरेक्शन में आपको मतलब हेयर रिमूव करना है, बट आपको ये नहीं पता होता कि रिमूव करने से पहले जो बॉडी पर क्या क्या जो है वो अप्लाई किया जाता है। हम हाथ पे कुछ भी अप्लाई कर लेते हैं, हम पैरों पे कुछ भी अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन बिकनी वैक्स का जो ये बी वैक्स का जो ये पार्ट होता है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, उस पर हम ऐसे ही कुछ भी चीज़ें जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। खतरनाक से खतरनाक जो है बीमारियाँ होने का डर रहता है, ठीक है। सबसे पहले जो आपके बाल बहुत हार्ड आते हैं, दूसरा आपको कट वट का डर रहता है। कट लगने से क्या होता है, फिर उसमें बहुत ही जलन होती है, खुजली होती है, इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, रैशेज बढ़ जाते हैं, और मतलब फिर आपका मन करेगा उस जगह पे मैं हम कुछ ऐसा लगा लें जिससे हमें आराम मिले, ठीक है। एक एक चीज़ जो है मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एक वीडियो में सारी चीज़ें तो नहीं डिस्कस कर सकती, लेकिन इस वीडियो में मैं आपका मोटिव, जो जिस चीज़ को देखने के लिए आप यहाँ पर आई हो, आपका मोटिव जो है वो इस वीडियो को देखकर फुलफ़िल हो जाएगा। वो क्या है कि जो घर पर बैठकर, घर रहकर, बिना किसी ज़्यादा खर्चे के, बिना कोई ज़्यादा इन्वेस्ट किया, घर पर बिकनी वैक्स कैसे कर सकते हो, ठीक है, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट हमारा रेज़र हो गया, ठीक है। अगर आप बी वैक्स वगैरह कर, मतलब बीट वगैरह से करते हो या फिर किसी ऐसी क्रीम से जो आप जो करते हो, उससे क्या होता है आपका जो जो बॉडी पार्ट होता है वो ब्लैक पड़ने लग जाता है। अगर ऐसा है, किसी ने वीट वगैरह कहीं यूज़ किया है, चाहे आपने अंडरआर्म्स में यूज़ किया है या कहीं किसी और पार्ट पे, सेंसिटिव ऐसे पार्ट पे यूज़ किया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी स्किन ब्लैक जो पड़ी है कि नहीं पड़ी है, वो स्किन ब्लैक हो जाती है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन के साथ इसलिए क्यों बोल रही हूँ, एक जो है जो एक्सपीरियंस एक फैक्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो उन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके इंटरनल पार्ट की तरफ अगर ये चीज़ें लग जाती हैं तो वो आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो जाता है, वो आपको वही खुजली, रेसेस, इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, और मैं उन अगर किसी चीज़ को ये चीज़ें हैं भी, तो मैं आपको एक ऐसी क्रीम रेकमेंड करूँगी और कुछ ऐसी बातें रेकमेंड करूँगी, कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जिससे आपको बहुत ही राहत मिलेगी, जिसको ये इन्फेक्शन्स वगैरह होते हैं और खुजली मचती है या कुछ और होता है, तो
ऐसी क्रीम आपको मैं दिखाऊंगी, जो आप बताऊंगी और दिखाऊंगी कैसे अप्लाई करना, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको जो है वो राहत मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि पानी पीना होता है, बहुत सारा पानी पिए, जिससे क्या होता है आपके शरीर के अंदर जो है वो गर्मी कम बनती है। पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, यही नहीं है कि जो आपने पता नहीं ब्यूटी के बहुत सारी वीडियोस में आपने कहीं कहीं देखा होगा पानी पीने से जो आपके फेस पे ग्लो आता है, ये आता, बहुत सारे पानी पीने से वेट लॉस होता है, लेकिन पानी पीने से जो क्या होता है शरीर की गर्मी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, शरीर में जब गर्मी कम हो जाती है तो क्या होता है अपने आप बहुत सारी चीज़ों में हमें राहत मिलती है। इस तरह की जो जो चीज़ें होती हैं उसमें बहुत सारी जो है वो हमें राहत मिलती है। चलिए अब बात करते हैं मेन टॉपिक पर, बिकनिंग वैक्स जो है वो घर पर कैसे करें। ठीक है, बिकनिंग वैक्स करने के लिए सबसे पहले मैंने मना किया है प्रेजर यूज़ ना करें। ठीक है, अगर आप ये जो मैं तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये उन लेडीज़ के लिए, उन गर्ल्स के लिए जिनके पास, उन मम्मीज़ के लिए है जिनके पास बाहर जाने का टाइम नहीं है या वर्किंग वूमेन है, पार्लर जाने का टाइम नहीं है। फर्स्ट में प्रेफरेंस जो है वो अगर आप पार्लर में जाकर करवा सकते हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी वैक्स जो अवेलेबल है जो स्पेशल बिकनी वैक्स के लिए होती हैं, जहाँ पर जो करवाने से दर्द भी ना के बराबर होता है, थोड़ा बहुत होता है। देखो एरिया ही ऐसा है कि थोड़ा बहुत दर्द तो ज़रूर होगा, बट जो है थोड़ा बहुत होता है। अगर आपकी सिटी में फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये है ब्यूटी प्लस का, ये देखो ध्यान से देखो, ये है ब्यूटी प्लस का, आराम से इसको पॉज करके देख लेना, ब्यूटी प्लस वैक्स पाउडर। ठीक है, ये ब्यूटी प्लस का वैक्स पाउडर है, ये जो है इसका एक पैकेजिंग है, ये आती है 80 रुपीज़ की, 75 तक जो आपको ये जो पैकेजिंग मिल जाएगी, और ये पैकेजिंग आराम से जो है वो आपकी 2 महीने चल जाती है, आराम से 2 महीने चल जाती है। अगर आप पार्लर में जाते हो ना, 1500, 2000, 2500, हर पार्लर का अपना अपना चार्ज होता है पे करने का, तो कोई अफोर्ड कर सकता है कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो ये क्लीनिंग हर किसी को चाहिए होती है, क्योंकि आज के टाइम पे हमारा खाना ही जो है कुछ इस तरह का हो गया है, मतलब मान लो घिया की सब्ज़ी बनाई या कोई और वेजिटेबल्स आपने घर पे बनाई है, तो वो जो है इंजेक्शन्स वगैरह से पकाया हुआ जो होता है, दवाइयों से पकाया हुआ जो होता है बोलते हैं ना, वो वाली चीज़ें हैं, तो बहुत चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो आप जो हैं मतलब इस तरह का जो वैक्स पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, इसको मैं खोल कर अच्छे से मैं बताती हूँ कैसे यूज़ करना है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बता देती हूँ मैं आपको। तो ये कुछ इस तरह का डिब्बा आपको मिलेगा, और इसके अंदर जो है पैकेजिंग, ये देखो पैकेट में है, इस तरह के पैकेट में है, और ये कुछ मतलब आपको ग्रे से टाइप में जो होता है ना, ग्रे लाइट ग्रे सा, जो मिट्टी जैसा नहीं होगा बिल्कुल भी, लाइट ग्रे सा होगा, तो आप वो वाला पाउडर जो है, ये कुछ इस तरह का पाउडर है, ये देखिए कुछ इस तरह का ये पाउडर है, अभी मैंने यहाँ खोला तो सारा गिर जाएगा, पाउडर फॉर्म में है तो इसीलिए। तो ये पाउडर आपको जो है, आपके अगर ज़्यादा ग्रोथ है तो आप 2 चम्मच ले सकते हैं, 2.5 चम्मच आप ले सकते हैं, अगर हल्की बहुत ग्रोथ है तो आपके 1 चम्मच में काम चल जाएगा। और उसको ना पानी में जब आप मिक्स करें, इसको पानी में मिक्स करें जब आप, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल 2-2 बूंद करके पानी डालना है, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से वो पतला हो जाएगा, जब पतला अगर ये चीज़ हो गई तो वो आपके किसी भी काम का नहीं है। अगर ये चीज़ पतली हो जाती है वो आपको वैक्स के जो हेयर के रिमूव वो हैं वो बिल्कुल भी रिमूव नहीं होने वाले हैं। तो आप इसको ना पतला ना रखें, ना इसको ज़्यादा गाढ़ा रखें एकदम, ना ज़्यादा पतला रखें, बीच के फॉर्म का रखें, और इसको अप्लाई करें। फर्स्ट इसको अच्छे से मतलब मिक्स कर लें, बिल्कुल 3-3, 4-4, 2-2, 3-3 बूंदें जो हैं वो पानी डालें, और इसको मिक्स करते रहें स्पून से, और अच्छे से मिक्स करें। जब ये गाढ़ा हो जाए, ये स्पून के साथ भी चिपकेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा रिमूव करके थोड़ा सा और पानी डाल के उसको अच्छे से मतलब पेस्ट तैयार करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। ठीक है, इसको लगा के आप जिस एरिया में आपको रिमूव कर रहे हैं अपने मतलब बिकनी वैक्स के जितने एरिया के आपको रिमूव कर रहे हैं, आप वहाँ पर इसको अप्लाई कर दें। हॉल पे आप करना चाहते हो हॉल पे अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको लगाकर आप 2-3 मिनट के लिए आप छोड़ दें। 2-3 मिनट के बाद आपके हेयर, जैसे आप वीट लगाते हो ना, वीट लगाने के बाद आपको एकदम, मान लो आपने यहाँ पर वीट लगाई और आपने छोड़ लगा कर छोड़ दिया, जब आपको रिमूव करना होता है तो आप ये लगता है कि जो आपके जो हेयर है वो डेड हो गए हैं। सेम टू सेम इसमें भी ऐसे ही होने वाला है, आपके हेयर जो है वो आपको दिखाई देगा कि वो डेड हो गई है। ठीक है, जैसे ही डेड हो गई इसका मतलब है कि अब आपका जो है आप उसको आराम से रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए क्या करना है, आपको कोई भी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको जो है इसको हाथों से ही रब करना है, हाथों से ऐसे 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 जिसको रब करना है, जहाँ जहाँ आपने इसको अप्लाई किया, इस पाउडर को अप्लाई किया उसको ऐसे ऐसे रब करना है,
रब करने के बाद जो है वो धीरे धीरे उसको उतारना है, और उतारने के बाद जो है वो आपको हल्के गुनगुने पानी से, अगर भी सर्दियाँ चल रही हैं तो थोड़ा गर्म पानी वो भी चल जाएगा, हल्के गुनगुने पानी से, गर्मी में भी आप जो है वो हल्के गुनगुने पानी से इसको अच्छे से अपनी बॉडी को, फिर जो बॉडी का जो पार्ट है उसको अच्छे से वॉश कर लें, ठीक है। वॉश आउट करने के बाद काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लें, उसके बाद आपको कुछ क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगानी है बिल्कुल भी। अगर कोई लगाना भी चाहता है तो क्या करें कि अगर आपके पास सरसों का तेल अवेलेबल है तो आप सरसों का तेल लगा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई क्रीम वगैरह कोई भी आपको जो है इस्तेमाल नहीं करनी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ बताना मुझे कमेंट बॉक्स में आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव कैसी लगी। और जिस जिसको भी खुजली या रैशेज इन्फेक्शन होता है अपने बिकनी वैक्स के एरिया में तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगी, एक ऐसी राहत भरी वीडियो जिसको देखकर आप ये बोलोगे अपनी वीडियो क्यों नहीं बनाई पहले, बहुत अच्छी वीडियो, ताकि आपको इंस्टेंट जो आराम जो होता है ना कुछ टाइम के बाद जो वो मिल जाए, वो वाली वीडियो मैं आपको लेकर आऊँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। टिल देन बाय बाय।